बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई। चार में से और पढ़वा हूं, राजा फरमाए कि तेरे हुजूर का सूरज ये ढलने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इशारे में आप मैं बात समझ जाएंगे मैं कहां पहुंचाना चाह रहा हूं कि तेरे हुजूर का सूरज ये ढलने वाला है। बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है। बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है। ये नजम भाई जिंदाबाद, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक बार जोरदार ताली बजा के मेरी हौसला अफजाई फरमाए जी। नहीं कह सकते तेरे गुरूर का सूरज ये ढलने वाला है। बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है। ये बात कहे तो जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिम पे अब गद्दार बैठे हैं। सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो, तरक्की हो वतन की तो, तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब यहाँ पर चोर ही बनकर चौकीदार बैठे हैं। किसी का नाम लिया, नहीं लिया। आप समझ गए बात, मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं बात पहुंच गई, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि मैं जो बात बोलूंगा हक बोलूंगा, सच बोलूंगा और संविधान के दायरे में बोलूंगा। और इसलिए भी बोलूंगा कि मैं एक अन्ना सा एडवोकेट हूं लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर। मुझे मालूम है कब कहां पर कैसी शायरी पढ़नी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दें कि ये यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे हैं। कुछ भी बोलो उनको कोई शर्म नहीं, कि कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो उनको कोई शर्म नहीं। बेशर्मी की चादर ओढ़ बैठे हैं, बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं। तीन तलाक पे बातें करते हैं वो लोग। अगर समझ में आए तब तालियां बजाना, इशारा समझना कि तीन तलाक पे बातें करते हैं वो लोग जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं, जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं। तीन तलाक पे बातें करते हैं वो लोग जो खुद
चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाएं कि हमेशा हक का हमेशा हक का परचम हमें उठाना है, हमेशा हक का ही परचम हमें उठाना है, खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है, खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है। और आज का ये खास दिन मुहर्रम का इस हवाले से शेर पहुंचा रहा मुलाजा फरमाए कि खिलाफ जुल्म के नारा हमें लगाना है, इमाम कल I'm